वेलकम बैक टू एवरी वन एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे वॉट इज़ कलोनीलिज्म डेफिनेशन देखेंगे एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे और ऑफ्टन हमें कन्फ्यूज़न होती है इम्पीरियलिज्म और कलोनियजम के बीच में तो इन दोनों में डिफ्रेंसिस क्या हैं सिमिलैरिटीज़ क्या है उसकी हम बात करेंगे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ सो कलोनीलिज्म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वन कंट्री टेकिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री जब कोई पावरफुल कंट्री होती है और वो किसी पुअर कंट्री किसी गरीब कंट्री को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है उस गरीब कंट्री के जो नेचुरल रेसोर्स होते हैं उसको अपना बनाने की कोशिश करती है और जो लोकल लोग होते हैं उस गरीब कंट्री को उसको दास बनाने की कोशिश करती है यानी कि गुलाम बनाने की कोशिश करती है और उस पुअर कंट्री का जो पॉलिटिकल सेटअप होता है जो राजनीति होती है उसको अपने हाथ में ले लेती है पावरफुल कंट्री तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनीलिज़म एंड ऑक्युपाइंग इट विद सेटलर्स फॉर परपजिज ऑफ प्रोफिटिंग फ्राम ईट्स रेसोर्स एंड इकॉनमी तो जो गरीब कंट्री होती है उसके जो रेसोर्स होते हैं उसकी जो इकोनॉमी होती है उससे वो प्रोफिट लेना चाहती है और अपनी जो होम कंट्री होती है उसको वो अमीर बनाने की कोशिश करती है इसे हम मर्केंटलिज़म भी कहते हैं बाई द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार वन इन नाइनटीन फोर्टीन यूरोपियन पावर्स हैड कॉलोलाइज कंट्रीज ऑन वर्चुअल एवरी कंटीनेंट तो 1914 के आसपास जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उस समय जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी चाहे आप ब्रिटिश की बात कीजिए फ्रेंच की बात कीजिए स्पेनिश की बात कीजिए पोर्टगीज़ की आप बात कीजिए तो इन सभी ने लगभग हर एक कंटीनेंट को अपना गुलाम बना लिया था यानी हर एक कंट्री को हर एक कंटीनेंट की कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लिया था फ्रेंच का हमें इंडोनेशिया साइड ज़्यादा देखने को मिलता है ब्रिटिश ने इंडिया को गुलाम बनाया था और भी ऐसी कई सारी यूरोपियन पावर्स हैं जिन्होंने कॉलोनीस बना के रखी थी कलोियल पावर्स टिपिकली अटैम्प्टू इम्पोज दियर ऑन लैंग्वेज़स एंड कल्चर्स ऑन द इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द कंट्रीज दे कॉलोनाइज कॉलोनियल पावर्स क्या करती हैं जो अमीर कंट्रीज़ होती हैं वो सबसे पहले तो उस कंट्री के जिस कंट्री को वो कॉलोनी बनाती हैं गुलाम बनाती है उस कंट्री के कल्चर को डैमेज करने की कोशिश करती हैं और अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई स्पेनिश लैंग्वेज होगी उसको इम्पोज करने की कोशिश करती हैं इंडिजिनस पीपल्स के ऊपर जो लोकल लोग होते हैं While द कोलोनाइजेशन इज टिपिकली viewed नेगेटिवली ड्यू टू इट्स ऑफ्टन डिजास्टर हिस्ट्री जब भी हम इतिहास की बात करते हैं हमारा यही मानना होता है कि कोलोनाइजेशन की वजह से हर एक कंट्री को नुकसान हुआ है सिमिलैरिटी टू इम्पीरियलिज्म सम कंट्रीज बेनिफिटेड फ्रॉम हैविंग बीन कोलोनाइज लेकिन हम इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि कोलोनाइजेशन की वजह से कुछ कंट्रियों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे फॉर एग्जाम्पल लीडर्स ऑफ मॉडर्न सिंगापुर मॉडर्न सिंगापुर आप सभी जानते हैं आज का सिंगापुर जो है ए ब्रिटिश कॉलोनी फ्रॉम 1826 ट्वेंटी सिक्स टू नाइनटीन तो जो सिंगापुर है वो ब्रिटिश की कॉलोनी रहा था 1826 से लेके 1965 तक क्रेडिट द वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स ऑफ कलोनल हेरिटेज और आज आप देख सकते हैं कि सिंगापुर कैसा है और कितना डेवलप है विद द इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स इंप्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज सिंगापुर की जो इकानमी है वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है तो वो एक कॉलोनी थी पहले किसकी ब्रिटिश की लेकिन आज वो कितनी ज़्यादा डेवलप है तो ये कॉलोनाइजेशन प्रोसेस का ही बेनिफिट है इस्पेली फॉर मैनी ऑफ द यूरोपियन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ एफेक्टेड बाय द ब्रिटिश कलोनीलिज्म तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है यूरोपियन कंटीनेंट की अफ्रीकन uh, कंटीनेंट की एशियन कंटीनेंट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें हमें ब्रिटिश कॉलोनीलिज़म देखने को मिलता है यानी कि ब्रिटिश की पावर हमें देखने को मिलती है द एडवाटेज फॉर न्यूमरस तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी कलोनीलिज़म का देखने को मिलता है बिसाइड्स ल्यूक्रेटिव ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स अब जो कॉलोनियल पावर्स होती हैं जो फॉरेन पावर्स होती हैं उनका मकसद उनका इंटेंशन यही होता है कि वो पुअर कंट्रीज़ में जाएं और उनके नेचुरल रिसोर्स को एक्सपोर्ट करके अपनी खुद की कंट्री को अमीर बना सके लेकिन उनके कुछ अन इंटेंडेड भी होते हैं जैसे इंग्लिश इंस्टीट्यूशन को वो साथ में लेके आते हैं कॉमन लॉ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम लैंडिंग प्रैक्टिस ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये कोलोनाइज्ड कंट्री जो गुलाम कंट्री होती है उसके लिए एक पॉजिटिव बेस तैयार करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और वो जो कोलोनाइज्ड कंट्री होती है गुलाम कंट्री होती है वो फिर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाती है दैट वुड प्रोपेल देम टू फ्यूचर इंडिपेंडेंस और फिर वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं तो ये बेसिकली कॉलोनीज़म से ही सीखते हैं इन मैनी केसेज हाउ एवर द नेगेटिव of ऑफ far फार the द पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा colonialism का अब हम जानेंगे कि नेगेटिव साइड क्या है colonialism की द गवर्नमेंट ऑफ द occupying कंट्रीज ऑफ्टन imposed harsh न्यू लॉस taxes ऑन द इंडिजिनस पीपल अब जो colonized कंट्री गुलाम कंट्री के जो लोकल लोग होते हैं उनको परेशान किया जाता है कई तरह के टैक्सेस लगा के कई तरह के लॉस बना के तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड है colonialism का कॉन्फिस्केशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ए नेटिव लैंडस जो उनका लोकल लैंड्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है लोकल लोगों का जो कल्चर होता है उसको भी डैमेज करने की कोशिश की जाती है और मशीनरीज क्या करते हैं कि अपने कल्चर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं जिसे हम इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज भी बोल सकते हैं इंडिजिनस पीपल वर एनस्लेब जो लोकल लोग होते हैं उनको गुलाम बनाया जाता है उनका मर्डर किया जाता है कई तरह की बीमारियों से वो मारे जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल फीमाइन इन इंडिया बंगाल में लाखों की संख्या में लोग भूखमरी से मारे गए थे तो ये भी एक नेगेटिव साइड है कॉलोनीजम की मैनी मेम्बर्स ऑफ द अफ्रीकन डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रेस दियर रूट्स टू द सो कॉल्ड स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी रूट्स कहाँ से ट्रेस करते हैं अफ्रीका से ट्रेस करते हैं उनका मानना है कि हमें कॉलोनाइज किया गया था हमें गुलाम बनाया गया था जिसकी वजह से हम यहाँ वहाँ भागे थे या फिर हमें ज़बरदस्ती लेके चले गए थे तो इसीलिए अफ्रीकन डायस्पोरा अपने आप को कनेक्ट करता है अफ्रीका से अब हम बात करते हैं कि एमपीरियज्म और कलोनीलिज्म में क्या डिफरेंसेस है डिफरेंसेस इनके बीच में कुछ भी नहीं है कलोनीजम एंड हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स ओनली बिकॉज द कलोनीलिज्म इज़ द फिजिकल एक्ट कलोनीजम जो है वो एक फ़िजिकल एक्ट है उसमें हम मिलिट्री का फोर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी कंट्री को गुलाम बनाने के लिए बट इम्पीरियलिज्म इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इम्पीरियलिज्म जो है वो एक विचारधारा है जो ड्राइव करता है कॉलोनियलिज्म को कि आप जाओ और फोर्सफुली किसी कंट्री को गुलाम बनाओ सो इंपीरियलिज्म इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड कलोनियलिज्म इज द फिजिकल एक्ट ऑफ डोमिनेटिंग एनअर कंट्री अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ए कॉलोनियलिज्म वैसे तो जो कलोनियलिज्म की हिस्ट्री है उसको हम ट्रेस करते हैं 1550 फिफ्टी में जब एंशियंट ग्रीस एनशियंट रोम एनशियंट इजिप्ट और फोनीशिया ने अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था नॉन कॉन्टिग्यूस टेरिटरीज के साथ जो लोकल टेरिटरीज थी वहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं मॉडर्न कलोनीज़म की तो इसकी शुरुआत होती है फिफ्टींथ सेंचुरी में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जब वास्को डिगामा एक्सप्लोर करते हैं यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो ये कहलाती है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जब हम नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली मॉडर्न कलोनीज़म शुरू होता है फ़िफ्टीथ सेंचुरी से ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ग्लोबल इंडिपेंडेंस मूवमेंट सच एस यूनाइटेड नेशन नाइनटीन सिक्सटी वन नॉन अलाइन मूवमेंट लेट टू सक्सेसफुल वार्स फॉर इंडिपेंडेंस फ्राम कलोनियल रूल इन द वियतनाम इंडोनेशिया अलजीरिया कीनिया प्रेशर्ड वाय द यूनाइट स्टेट्स एंड दोवियत यूनियन द यूरोपियन पावर एक्सेप्ट इन एविटेबिलिटी ऑफ ए डी कोलोनाइजेशन प्रोसेस तो जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर आता है सोवियत यूनियन का प्रेशर आता है नॉन अलाइन मूवमेंट आता है तो उसमें जो कोलोनाइज पावर थी जो कॉलोनियल पावर थी उनको फोर्स किया जाता है कि आप अब कई सारी कंट्रीज़ को आज़ाद करना शुरू कर दो तो उसी समय फिर डी कोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है और कई सारी कंट्रीज़ आज़ाद हो जाती हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें थैंक यू वेरी मच